मेरे स्टार्डम में अगर मैं योगदान देना चाहूंगी तो मैं फिर पवन जी को ही देना चाहूंगी। इतना मतलब उछल रहे हैं एंड हर जगह इतना बोल रहे हैं लाउड स्पीकर में कि लाइक मैं काम नहीं करूंगा, तो हम ही लोग इसी में उलझे रहेंगे तो फिर इंडस्ट्री का ग्रो करेगा। और इस वजह से मैं इस मैटर में पढ़ती भी नहीं हूँ जी। मैं आज भी मैंने किसी को मना नहीं किया है, आज भी मुझे प्रोड्यूसर्स फोन करते हैं कि किसारे जी अपोजिट है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बोला है कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी। लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्यों इतना मतलब उछल रहे हैं एंड हर जगह इतना बोल रहे हैं लाउड स्पीकर में कि लाइक मैं काम नहीं करूंगा। उनका मुझे समझ में नहीं। वो लोग जो आपकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, कहीं ना कहीं अब आपसे नफरत करने लगे हैं आपके और उनके फैंस, कैसे देखती हैं? नफरत तो सिर्फ मुझसे ही हो रही है क्योंकि ये जिस तरह से हर जगह बोल रहे हैं कि मैंने उनको धोखा दिया है और मैं बहुत वो मुझे बहुत गलत वे में प्रेजेंट कर रहे हैं हर जगह। बस इस वजह से ही लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और नफरत तो सिर्फ मुझी से हो रही है। और बिकॉज एक ये भी बनता है कि मैं गुजराती हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा इंसानियत है मेरे अंदर। मैं कभी किसी के सामने इवेंट्स मैं भी करती हूँ, हर जगह मैं भी जाती हूँ, हर चीज़ मैं भी इंट्रोड्यूस देती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने किसी के बारे में कभी ऐसा बोला, ना ही मैंने कभी ये बोला कि खेसारी ने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं ये बोलना स्टार्ट करूँ खेसारी ने धोखा दिया है तो फिर बहुत कुछ बातें बन सकती है। ना ही मुझे लाइव आके रोने की आदत है। मैं जो भी करती हूँ मुझे पता है क्या इज्जत होती है, क्या रिस्पेक्ट होती है। और एक्टर हैं, इंडस्ट्री चलती है, हमसे चलती है। गिन चुन के जो 10 लोग हैं उन्हीं लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री चलानी है और उसी को आगे बढ़ाना है। तो हम ही लोग इसी में उलझे रहेंगे तो फिर इंडस्ट्री का ग्रो करेगा। और इस वजह से मैं इस मैटर में पढ़ती भी नहीं हूँ और ना ही मैं इनको ऐसे खदोड़ती हूँ कि नहीं उसने ऐसा किया उसने वैसा किया। तो मुझे कोई वो नहीं है और मैं बहुत सोची हुई हूँ, समझदार हूँ। काश आप समझदार होते तो शायद ये सब अफवाह ना फैलाते और लोगों से गालियां ना दिलवाते। अगर आप इतना ही प्यार करते और इतना ही रिस्पेक्ट होता किसी के नजर में, ना ही इज्जत होती अगर, तो ये सब ना करते। बधाई आपको, आखिरकार आपके नाम पर गाने भी बन गए हैं, वायरल भी हो गया, बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। लेकिन व्यूज तो आ रहे हैं, व्यूज भी आ रहे हैं। और हम बड़े जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं यहाँ पे, कुछ जैसे हम जैसे बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस जो जिनके पीछे कुछ लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं, जो हमें बड़ा भी बनाता है और जो बोलता है कि हम लोग बदतमीज भी है, हमें तमीज भी नहीं है, और खुद ही मुंह से भी बोलता रहता है कि बड़े एक्टर बड़े एक्ट्रेस बड़ी एक्टर बड़ी एक्ट्रेस। जब हम इतने ही बड़े हैं तो तभी आपका चैनल भी चल रहा है। मे भी शायद जो भी 1 लाख 1.5 लाख जो भी सब्सक्राइबर्स आपके बड़े हैं तो शायद हम बड़ों की वजह से ही बने हैं। अगर हम लोग बड़े नहीं होते तो शायद आप कोई देखता भी नहीं। तो बस कहीं ना कहीं सच्चाई भी तो ये है कि खेसारी जी के साथ आपने इतना काम किया है और आपकी जोड़ी पसंद की गई है, आपके स्टारडम में एक बहुत बड़ा योगदान है। मानती हैं आप इस बात को? फिर से रिपीट करना। आज आप स्टारडम में हैं, सुपरस्टार एक्ट्रेसेस में आपकी गिनती होती है, कहीं ना कहीं खेसारी जी के साथ आपने इतना काम किया, दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद की गई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके स्टारडम में उनका भी योगदान है? मेरे स्टार्डम में अगर मैं योगदान देना चाहूंगी तो मैं फिर पवन जी को ही देना चाहूंगी। बिकॉज इनके साथ मेरी पैर बनी थी मेहंदी लगा के रखना से, जो कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और हम दोनों का रोमांस उनको बहुत पब्लिक को बहुत पसंद आया था। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब पवन जी और खेसारी के बीच में मैं किसी को चूज कर रही हूँ, या फिर लोगों को अभी ये दिखाना चाहती हूँ कि खेसारी जी से अगर कुछ भी हमारे इश्यूज है, पर्सनल इश्यूज है, उस वजह से मैं अभी पवन जी को मैं वो कर रही हूँ कि उनको सिलेक्ट कर रही हूँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मेरे दो फेस नहीं है। पवन जी को मैं इसलिए देना चाहूंगी बिकॉज मेरी एक फिल्म आई थी उनके साथ हुकूमत, जिसमें हुकूमत थी एंड देन उसमें जो गाने थे चिकन समान एंड चोली महकल परान, और उसके बाद बहुत ब्लॉकबस्टर मेरी फिल्म आई एक भोजपुरिया राजा, जिसका एक गाना था छलकता हमर जवानिया। तो उसके बाद जो मेरी मैं हिट हुई हूँ, लोगों ने मुझे पसंद किया है, उसके बाद मेहंदी लगा के रखना बनी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि खेसारी जी की वजह से मेरा स्टारडम आया है, मैं कहूँगी पवन जी की वजह से आया है।
उन्होंने इतना अच्छा गाना बनाया, उन्होंने इतना अच्छा गाया, प्रियंका ने इतना अच्छा गाया, मैंने एक्ट किया, लोगों ने पसंद किया, तो शायद मेरा तो मैं सीढ़ी अपनी वही समझूंगी। फिर एक बार फिर से बधाई आपको लिट्टी चोखा फिल्म के लिए। थैंक यू। बहुत ही चर्चे में ये फिल्म चल रही है। हाँ। आप करोगे प्रमोशन खेसारी जी के साथ इस फिल्म का? सी, मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ अपने वर्क को लेके, तो मुझे अगर खेसारी जी को फेस भी करना पड़ता है, वो मेरे दुश्मन नहीं है ना, मैं मानती हूँ, मैं मुझे उनके साथ बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगी, अपना काम है मैं करूंगी, उसमें क्या है, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर की तरह मैं हीरोइन हूँ उसकी, तो मैं मुझे अगर प्रोड्यूसर बुलाएंगे, बिकॉज साइन तो मुझे प्रोड्यूसर ने किया है, डायरेक्टर ने किया है, तो मैं वो मुझे जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, बिकॉज वो मेरा फर्ज बनता है। भोजपुरी के एक दूसरे चर्चित अभिनेता हैं प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू। या आजकल आपकी तस्वीरें वीडियोस उनके साथ बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं और फैंस को मजा नहीं आ रहा। पर्सनल लेवल पर आपसे ही जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है चिंटू के साथ अब काम करने का? मैं अपनी एक बात बताती हूँ, जब हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग ने साथ में ट्रक ड्राइवर पहला हमारा मूवी था, तो हम लोग बहुत लड़ाई करते थे, बिकॉज वो भी छोटे थे मैं भी छोटी थी, तो मेरा भी दिमाग थोड़ा सन की टाइप का, उनका भी सन की टाइप का। सो उसके बाद आई थिंक हम लोग ने कई साल बाद हमने मूवी करी ये, और राज सर राजकुमार पांडे जी जिन्होंने सिर्फ मुझे एक फिल्म के लिए लेके गए थे कि एक फिल्म करनी थी, लेकिन उनको मेरा बिहेवियर मेरा काम इतना अच्छा लगा, उन्होंने जब मूवी कर रही थी फर्स्ट, तब 10-15 दिन ही हुए थे स्टार्ट होके, तो उन्होंने बोला बेटा हम लोग एक और मूवी करना चाहते हैं तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हमें ठीक है सर कोई बात नहीं, तो हम लोग ने 50 डेज हम लोग ने साथ में बिताया, तब हमने पर्सनली ऐसे जाना एक दूसरे को, और हम वाकई में जितना हम झगड़ा करते थे हम उतने ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, लेकिन उस फ्रेंडशिप को भी यहाँ पे लोग अपनी नज़र से देखते हैं, और उस फ्रेंडशिप को भी ये लोग गंदी नज़र से ही देखते हैं और गंदा ही उसको नाम देते हैं, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें बहुत खटकती है कि यहाँ पे लोग किसी भी रिश्ते को अच्छी नज़र से नहीं देखते, चाहे वो बाप बेटे ही क्यों ना खड़े होंगे, वो लोग गंदी नज़र से ही देखेंगे, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं कि उसका बाप कौन है, तो बोलेंगे हाँ ये प्रोड्यूसर होगा, ये कुछ होगा, इसने ज़रूर इसको कुछ किया होगा दिया होगा, कभी ऐसा ऐसा समय है कि इस समय आप काफी परेशानियों से जूझ रही हैं। मैं भोजपुरी के उन स्टार और सुपरस्टारों के बारे में पूछना चाहूंगा कि